हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जगत सर फिजिक्स क्लास। दैट इज द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड टू क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आवर टारगेट इज टू प्रोवाइड एन इजीएस्ट वे थ्रू विच वी कैन लर्न द कॉन्सेप्ट, वी कैन लव विद द फिजिक्स एंड द फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। हमें फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को कुछ इस तरह से सीखना है, कुछ इस तरह से समझना है कि उसको हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। तो इन्हीं कोशिश, इन्हीं एफर्ट्स के साथ आज हमारे पास एक नेक्स्ट आर्टिकल है। दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होंगे, कैसे हम इसकी वर्किंग को, कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, और जब हम एक्सपेरिमेंटल लैब में जाके काम करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। स्टूडेंट देखिए, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बेस प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में क्या किया कि मीटर ब्रिज को हमने कंप्लीटली पढ़ा, उसके बाद उसमें मैग्नीन वायर का क्यों यूज हुआ, थिक कॉपर स्ट्रिप्स का क्यों यूज हुआ, वो सारी बातें पढ़ी। तो आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी मैग्नीन वायर यूज होगा, उसमें भी कॉपर स्ट्रिप्स यूज होंगी। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैग्नीन वायर का क्या क्या बड़ी स्पेशलिटी है, कि उसकी रेजिस्टिविटी बड़ी हाई है, जबकि आपको कॉपर स्ट्रिप्स का पता होगा कि उनकी कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी है। तो स्टूडेंट, लास्ट हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ऑल दीज आर्टिकल विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, और हमने कोशिश करी कि सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन के ऊपर बेस होके मैंने लास्ट वीडियो बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है वो इसी बात को ध्यान में रख के बनाई है कि सीबीएसई का स्टूडेंट कैसे उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करे जो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से निकलकर बाहर आते हैं। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसका बेस क्या है। ठीक है, तो ये बात हमें आज स्टडी करनी है। तो मैं जब अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूं पोटेंशियोमीटर की, तो इसकी स्टार्टिंग मुझे एक बात से करनी है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अब भाई, आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो वोल्टमीटर का भी यूज कर सकते हो, तो पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर कर रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा यूज, पहले मैंने कौन सी बात से स्टार्टिंग करी है कि पोटेंशियोमीटर ऐसी डिवाइस है जिसका काम है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, अब क्यों आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसका यूज करते हो, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा यूज इसका क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अच्छा, दूसरा यूज आ गया जी। तीसरा यूज क्या आया, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मतलब पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है क्या क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना, और एक कंपेयर करना ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। स्टूडेंट्स, इसका जो वर्किंग मॉडल है वो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। बेसिकली हमारे पास 1 मीटर लेंथ के 4 वायर्स हैं। ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्नीन के बने होते हैं ये वायर। मैग्नीन हमने लिया है इसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए, इसकी प्रॉपर्टी है क्या, हाई रेजिस्टिविटी। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि अब रेजिस्टिविटी क्या पंगा होता है। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते होते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम निकालते होते हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को देखते हुए। दैट डिपेंडेंसी इज आर इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। इस रिलेशन को आप लोग याद करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, ओम्स लॉ के अंडर जाके हमने काम किया था, और इसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी बात करी थी। ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स वगैरह जब हमने यूज करी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। आप एक बार वापस चले जाना ओम्स लॉ में, उसकी डेरिवेशन भी मैंने करवा रखी है आपको। तो यहां स्पेसिफिकली मैंने रेजिस्टेंस को देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्टूडेंट्स, ये बातें हमारे घर पे होती है, कैसे होती है पता है, हमारे घरों में वायर आती है। अब अगर हमने बहुत ज्यादा लेंथ की वायर लगा रखी है तो वो हीटअप ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, हमारे घरों की बात बता रहा हूं। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो वायर मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया हम ज्यादा रखते हैं तो फिर रेजिस्टेंस क्या आता है,
कम आता है, ये बातें हमारे घरों में अप्लाई होती है। और जैसे कि हम बीटेक वगैरह कर लेते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल वाले स्पेशली, तो बीटेक करने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री में हम जाते होते हैं हम लोग, तो वहां वायर टेस्टिंग होती है, तो वायर की जो टेस्टिंग होती है वो इन्हीं फैक्टर्स को स्पेशली ध्यान रख के होती है। हालांकि वहां टेम्परेचर की भी बात आती है, ऐसी बात नहीं टेम्परेचर की बात नहीं आती, बिल्कुल आती है टेम्परेचर की बात, ठीक है। तो देखो इन दोनों फैक्टर्स को जब मैं कंबाइन करता हूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मेरे पास L by A, जहां पे L रहता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से आ जाती है आर ए बाई एल, ठीक है। इफ एरिया इज यूनिट, ए इज इक्वल टू 1 meter square, length is equal to 1 meter, then resistivity is equal to, yeah, specific resistance is equal to resistance offered by the wire. These are the some basic things which we have studied. यानी कि मैं बात कहाँ लेके चला था, बात कहीं लेके चला था, मैं लेके कहीं चला गया ना, चलो कोई बात नहीं, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। एक बार फिर से हम उन्हीं चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। अच्छा मैंने क्या किया कि इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था, इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने 3 कॉपर स्ट्रिप्स लगा रखी है, 4 मेरे पास पैरेलल वायर्स हैं जो एक वुडन बोर्ड पे सेट किए जाते हैं। आपको मैं उसकी एक्सपेरिमेंट की वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उसका, तो आप जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि इसका जो आप एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखेंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट को और भी बहुत अच्छा क्लियर कर देगा, ओके। लेकिन हम भी चलो प्रोसेस करते हैं, हमने क्या कहा कि हमने पैरेलल वायर्स लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल वायर जिनकी हर एक वायर की लेंथ इसकी भी 1 meter है, इसकी भी 1 meter है, इसकी भी 1 meter है, इसकी भी 1 meter है। ये वायर मैग्नीन से बने हैं और ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं जिनके ऊपर हमने ये फिक्स किए हैं, कॉपर स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर हम क्यों यूज करते हैं, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर एंड दिस हैज हाई कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी बड़ी बढ़िया होती है, एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस थिंग Also you have to keep in mind, okay? Okay. अब मेरे पास कितने हैं कि 4 वायर्स हैं 1 meter जिनकी लेंथ है, उनको हमने एक थिक कॉपर स्ट्रिप पे क्या किया है, फिक्स किया है, ऊपर हमने एक मीटर स्केल लगाया है, ये सारा का सारा पूरा अपैरेटस एक वुडन बोर्ड पे फिक्स है, ठीक है। अब हमने यहां पे एक की लगाई, हालांकि मैंने पहले से ऑन करके दिखा रखा आपको, की को मैंने कनेक्ट किया रियोस्टेट से। अब बहुत सारे बच्चे तो ये आरएच भी नहीं समझते होते, कहते हैं कि ये क्या पंगा हो गया, तुम्हें पता है बेटा आरएच का, पता है तुम्हें ये क्या होता है, यहां रियोस्टेट नहीं, दिस इज वेरिएबल रजिस्टर है ना, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। जैसे एक तो वो डब्बा सा होता है ना, ऐसा ऐसा होता है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स वाला डब्बा ऐसा, ठीक है, उस पर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, लगे होते हैं, इनमें से हम फिक्स कर सकते हैं, एक निकाल दें 200 ओम का तो फिक्स निकला ना, ठीक है। तो इसी की जगह पे रियोस्टेट कैसा होता है, ऐसी ऐसी शेप होती है, इसमें रेजिस्टेंस वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी कि इसको अगर मैं घुमाऊं, यहां पे 2 टर्मिनल छोड़े होते हैं नीचे, ठीक है, अगर मैं इसको घुमाऊं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वैरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी कि यहां ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है बच्चों, यहां रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है जी। अब देखो बच्चों यहां एमीटर लगा है, एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, बैटरी लगी है, ये प्लस है ये माइनस, यानी ये प्लस ये माइनस, ओके। ये टर्मिनल है ए, ए टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है वोल्टमीटर से, और वोल्टमीटर को जोकी से कनेक्ट किया है। यहां जहां मैंने यहां घुमा के रखा है, इसका मतलब है ये इस वायर को क्या नहीं करता, टच नहीं करता, जहां पे भी मैंने इस तरह से बैंड किया उसका मतलब है ये वायर के ऊपर से पास करता है। अब बात क्या आती है, दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल आप मेरी बात मानोगे तो आप एक वर्ड याद करो कि पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, दैट पोर्शन ऑफ वायर, पोर्शन ऑफ वायर। मैं तो यही कहूंगा कि आप इतना ही याद रखें, ठीक है, कि पोटेंशियल ड्रॉप कहीं पे भी हमें निकालना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ
ऑफ दैट पोर्शन। अब दैट पोर्शन की लेंथ कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये कैसे मैं बातें कर रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, देखो स्टार्ट करते हैं। चलो जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, फ्लो स्टार्ट होगा, यहां से चलता 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 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब मैंने क्या कर रखा है, जोकी को इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। अब जोकी जैसे ही इस वायर के साथ कनेक्ट है, करंट आएगा, करंट आते ही वोल्टमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, 100% श्योर बात है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो अब मुझे क्या करना है इस जोकी को, दैट इज मूवेबल। अब मेरे को इसको आगे पीछे मूव करके देखना है। लेट अस कंसिडर इट बैलेंसेस एट जे वेयर वोल्टमीटर शोज नॉट डिफ्लेक्शन एंड इट शोज नॉट डिफ्लेक्शन व्हाट इट मीन इट इज बैलेंस्ड। जहां पे ये बैलेंस हो जाता है तो वहां से इस पॉइंट की एंड पॉइंट की लेंथ आप मेजर कर लेंगे, वही लेंथ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो मैंने ये बात किस बेसिस पे करी है बच्चों, देखो आपको सभी को पता है कि V इज इक्वल टू होता है क्या, आई आर। और अभी अभी आपने मेरे को कहा कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो V इज इक्वल टू I रो एल बाय ए। मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा, करंट मैंने कॉन्स्टेंट फ्लो कराया, यहां से रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना है मैंने कॉन्स्टेंट रखा है। तो फिर ये बाकी टर्म V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, L के, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इफ I, और कौन है भाई, रो बाय A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट है तो V इज इक्वल टू K R इंटू L। तो K क्या हो गया यहां पे, दिस K इज V बाय L, और V बाय L पोटेंशियल अपॉन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ आ जाता है, उसका नाम क्या होता है, That is potential gradient, That is potential gradient, तो यहां मैंने बात करी किसकी, यहां मैंने बात करी है principle of the potentiometer और इसका working जो diagram है वो। अब auxiliary diagram की भी हम बात करेंगे, जिससे हम सारी की सारी वर्किंग भी पढ़ेंगे, जिससे हम comparison of EMF of two cells भी पढ़ेंगे, potential difference को कैसे measure करते हैं इसको भी हम पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अभी स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, क्यों ना एक आधा कोई क्वेश्चन बनाया जाए और उस पर वर्क किया जाए। चलो हम सर्च करते हैं ऐसे क्वेश्चन को और उस पर फिर वर्क करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ढूंढा इस पे, वो क्वेश्चन मुझे बार बार बड़ा बार बार पूछा भी जाता है जब हमारे प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है बच्चों से कि वाई द वोल्ट मीटर is not preferred than a potentiometer, कि आप prefer क्यों करते हो, potentiometer is preferred over voltmeter for measurement of EMF of a cell, ये question बार बार पूछा जाता है। चलो मैं उसका answer भी आपको दे देता हूं, क्योंकि ये जो है, ये जो पूरा का पूरा potentiometer, ये अपने आप के लिए कोई current draw नहीं करता। ठीक है, यानी कि इस बात को आप कैसे लिखोगे कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फॉर इटसेल्फ फ्रॉम प्राइमरी सर्किट, इट गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट देयर बाय एक्टिंग एज एन आइडियल वोल्टमीटर। यहां पे दो क्वेश्चन बन गए बच्चों, ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह क्यों काम करता है, क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं। चलो साथ साथ हम नोट करते जाते हैं, पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड, पोटेंशियो मीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल, फॉर मेजरमेंट of EMF of a cell as it does not draw current for itself from
प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट. इट डज नॉट ड्रो एनी करंट फॉर इटसेल्फ फ्रॉम प्राइमरी सर्किट. सो इट गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, thereby acting as an ideal voltmeter. Therefore, it gives more accurate measurement. Thereby acting as an ideal voltmeter. अब students, ये हमारे पास question बड़ा बार बार हमसे दोहरा के पूछा जाता है, और हम भी जब वाइवा में जाते होते हैं तो बहुत बार ये question हम करते होते हैं practical के लिए. और जब हम इस concept को पढ़ते हैं तो इस concept की बारीकियां भी हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये question सबसे पहले करवाया. ठीक है, तो अब देखिए, उसके बाद हम इसकी uses पे बातें कर रहे हैं. पोटेंशियोमीटर के हमने यूजेस क्या पड़ेगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, अच्छा कंपेयर करता है ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को भी मेजर करता है. क्यों ना हम इन पे भी एक ब्रीफ डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम इन पे बेस न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, कुछ एक हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन भी कर लेंगे, और कुछ एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी हम स्टडी कर लेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल भी हम इनके ऊपर परफॉर्म कर लेंगे. तो इसके लिए चलो स्टूडेंट वेट करते हैं, पहले डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, जो आपका ऑक्सिलरी डायग्राम है वो डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं. स्टूडेंट ध्यान रहे, डायग्राम आपके बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर और उनके यूजेस की. चलो हम बात करते हैं. ओके, फर्स्ट यूज वी आर गोइंग टू स्टडी, फर्स्ट यूज दैट इज First use is, once again, okay, first use that is determination of potential difference using potentiometer. देखिए ये हमारे पास है एक auxiliary diagram की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, जो हम बात करते हैं helping, हमारा जो circuit रहेगा वो helping circuit मेरे पास मैंने लिया है यहाँ पे. ये मेरा है AB magnet wire, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमने एक सेल से कनेक्ट किया है, एमिटर यहाँ पे रखा है, एक रेजिस्टेंस रखा है. इस रेजिस्टेंस का क्या होगा, यहां से हम सूटेबल रेजिस्टेंस कोई भी बाहर निकाल के चलेंगे. ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को इस तरह से बाहर निकालना है कि यहां पे फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर. यानी कि यहां पे इस वायर के थ्रू जो भी फॉल हो पोटेंशियल डिफरेंस का, या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आए इसमें, वो ग्रेटर रहना चाहिए. जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेजर करना है उससे ग्रेटर आना चाहिए. ठीक है, अब आप इस बात को कैसे चेक करेंगे, इस जोकी को आप मूव कर लीजिए, इस जोकी को उठा के ए पे रख लीजिए. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आप चेक कर लीजिए, दिस इज गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब यहां पर आप देखो इसी जोकी को यहां पर रख के देखो, अब डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है, अगर यहां और यहां दोनों पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो हमारी ये वाली बात फिर बिल्कुल सही है, हमने जो अरेंजमेंट किया है बिल्कुल सही है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें K1 को क्लोज कर देना है, इसको क्लोज कर देते हैं, ये लीजिए जी, क्लोज द की K1. ठीक है, अब हमने क्या किया, K1 को क्लोज कर दिया. अब मान लो जे पोजीशन पे जाके, इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, जे पोजीशन पे जाके जो कि क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है. लेट ए जे इज इक्वल टू एल, लेट जे बी द पोजीशन, पहले ये बात लिख देता हूं मैं, बी द पोजीशन वेयर गैल्वेनोमीटर shows no deflection, वहां पे कोई deflection show नहीं करता, that is the balanced position, है ना. तो let AJ is equal to L, ठीक है, then fall of potential V that is equal to K into L, V is equal to K into L. हमने क्या किया, फॉल ऑफ पोटेंशियल हमने निकाल लिया. तो अब आप मेरे को बताइए कि करंट क्या होता है, करंट तो होता है, पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई किया,
आपकी ईएमएफ कितनी है, आपने जो अप्लाई की है, मैंने अप्लाई किया ये वाला ईएमएफ ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल कितना है आपने कितना आर और इंटरनल कितना है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर, तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ए बी मल्टीप्लाइड बाय internal resistance of the cell. Now what we want to calculate that is potential gradient kya hoga aapke paas, potential divide by length to potential gradient hum nikal lete hain, potential gradient hamare paas kya rahega, potential hai ir divide by total length of the wire, let us consider this is capital L, Total length of the wire. Now put the value of I. That value is potential gradient. I ki value kya hai? EMF upon resistance. Then EMF upon total resistance, internal plus external, multiplied by internal divided by total length. This is total length. अब आपने V is equal to K into L मेरे को कहीं रखा है? यहाँ से आपने मेरे को क्या कहा, V is equal to K into L और potential gradient क्या है, K, तो K की value कितनी है, E MF divided by total resistance multiplied by internal resistance of cell divided by total length multiplied by length of that portion of the wire, this is the final value, we can measure the potential difference को क्या कर सकते हैं, हम measure कर सकते हैं, this is the final value। और हमने ये सारा का सारा काम किसकी हेल्प से किया है, ये सारा का सारा काम हमने किया है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आज हमने करी, पोटेंशियोमीटर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने वर्किंग पढ़ी, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हमने पढ़े, उसका एक यूज हमने पढ़ा है आज की क्लास में। नेक्स्ट जो दो यूज है, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस, this is not included in CBSE syllabus but the next two are included in CBSE syllabus, so students next two uses ke liye aap next video dekhen, zarur dekhen, next ke jo hamare lecture rahenge wo next two uses pe rahenge, take a screenshot students, thank you students, have a nice day।